गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत पर जहां पार्टी में जश्न का माहौल है, वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटर्स को बधाई दी है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। योगी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व बदलना भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए योगी ने कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व बदलना बीजेपी के लिए शुभ है। हालांकि योगी ने तब भी अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी पर निशाना साधा था। इसके साथ ही गुजरात और हिमाचल में पार्टी की जीत के रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी ने कहा कि गुजरात और हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस के बंटवारे की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। यह बीजेपी नेतृत्व और बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का रिजल्ट है। उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि काहो पिद्दी बिस्कुटवा मिलल की नहीं आज। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह विकास की जीत है, यह बूथ कर्मी की जीत है और उनकी जीत है जिन्होंने विकास पर भरोसा किया है।